जमशेदपुर परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में पेश कैग रिपोर्ट में मोदी सरकार में हुए कई घपले घोटाले को का खुलासा हुआ है। देश में लाखों करोड़ रुपए की अनियमितता उजागर हुई है। मोदी सरकार की बहुप्रचारित आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम ने तो घपलों की सारी हदें पार कर दी। मंत्री ने निष्पक्ष जांच की भी बात कही। चप्पल नहीं है, हम उसको जो है हवाई जहाज में देखना चाहते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाए पूरे देश की जनता को, लेकिन उसमें मात्र 7% ही उन्होंने अभी तक मात्र 7% में ही इस योजना को संपादित किया। शेष 93% योजना अभी तक धरी की धरी रह गई। ये मैंने कैक की रिपोर्ट कह रही है।